नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। दिया और बाती हम और शगुन जैसे सीरियलों में नजर आई टीवी एक्ट्रेस सुरभि तिवारी सुर्खियों में आ गई हैं। सुरभि ने अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और उसे डराने धमकाने का मामला दर्ज कराया है। साल 2019 में सुरभि ने दिल्ली के पायलट और बिजनेसमैन प्रवीण के साथ शादी रचाई थी। हालांकि अब वो तलाक लेने जा रही हैं। सुरभि तिवारी ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कैसे शादी के बाद उनके और उनके पति प्रवीण के बीच दिक्कतें आने लगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वो सिर्फ अपने पति से ही नहीं बल्कि सास और जेठानी से भी परेशान है, इसलिए अब वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए जल्द तलाक की अर्जी डालने वाली हैं। सुरभि तिवारी ने अपने शादी के बिगड़े हालातों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया, शादी के कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ गया था कि प्रवीण और मैं एक दूसरे के लिए कंपेटिबल नहीं है। प्रवीण ने मेरे साथ मुंबई जाकर रहने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। मैं एक्टिंग जारी रखना चाहती थी, लेकिन मैं सीरियल में काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उनके साथ रह रही थी। नतीजा ये हुआ कि मैं आर्थिक रूप से उन पर डिपेंड हो गई। इसके अलावा मैं जल्द ही अपना परिवार शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। सुरभि ने बताया, मैंने पति प्रवीण उनकी माँ और उनकी भाभी के खिलाफ घरेलू हिंसा करने और मुझे डराने धमकाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा स्त्री धन मुझे वापस नहीं दिया है। शादी के समय जो ज्वेलरी उन्हें और मुझे मिली थी वो भी वापस नहीं की। मैं अपने साथ कुछ बर्तन लाई थी वो भी उन्होंने जब्त कर लिए। अगर मुझे ये सब मिल जाता है तो मुझे गुजारा करने और मेडिकल बिल का खर्च उठाने के लिए अपने सोने के जेवर नहीं बेचने पड़ते। सुरभि ने कहा कि मैं बहुत सी चीजों को लेकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। उतना दुख सहने के बाद भी मैंने आपसी सहमति से प्रवीण से अलग होने का सोचा था, लेकिन प्रवीण ने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक नहीं देंगे और इसके लिए मैं कोर्ट जा सकती हूँ। मैंने अब उन लोगों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। मैं जल्द ही तलाक के लिए अर्जी डालूंगी।